मैं भी अपने YouTube चैनल लाइव विद माजे के साथ, तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, शेयर करें लाइव विद माजे को, और इसे सब्सक्राइब करें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आपको मिले। तो आज हम घर में ही, एक छोटा सा बाग है हमने लगाया हुआ माल्टो का, तो आज मैं घर में ही हूँ। तो वाशिंग मशीन आज ख़राब हो गई कपड़े धोते हुए, वाइफ ने अभी बताया मुझे, तो अभी आइए देखते हैं वाशिंग मशीन को। ये जी वाशिंग मशीन है, ये मैंने अपने जार रखे हुए हैं, अब चल नहीं रही है, पता नहीं से क्या मसला है, कोई मसला है जिसकी वजह से तार शायद या कोई जोड़ जो है ना ये ठीक नहीं लगा। ये देखिए जी पाकिस्तान के अंदर अब ये अच्छा काम इन्होंने किया, वरना इधर टेपे लगा के ना इधर बेच देते थे। ये जी मोटर लगाई है, ये देखे जी पाकिस्तानी ने जिगाड़ लगाया हुआ, ये गत्ते रखे हुए, ये देखे, ये है जी पाकिस्तान की वाशिंग मशीन है, सुखाने वाली है ड्राई करने के लिए। तो ये क्वायर भी अच्छी लगाई हुई है, तो ये क्लिपों में मसला है शायद कुछ, अभी देखते हैं। और ये टायर भी अभी चेंज कर रहा हूँ मैं साथ साथ, टायर खराब, ये लोहे के टायर हैं तो ये जो फर्श है ना इसको ख़राब कर रहा है बहुत ज़्यादा, तो इस वजह से मैं इसके टायर भी आज चेंज कर रहा हूँ वाशिंग मशीन के। और अभी साथ साथ देखते हैं क्या मसला है इसको। तो जी यही है हम मशीन के टायर चेंज कर रहे थे, पाकिस्तान छुट्टी आ रही है, काम ही नहीं मुक रहे, उत्थे बंदा होंदा यार छुट्टी जावा दे आराम सुकून सुकून करा दे पाकिस्तान दे, इन्ना की पता पाकिस्तान बंदा आ जाए तो बहुत छापे पै जाते हैं इतने। ऐ वेखो जी हूँ वाशिंग मशीन जी सुता हाँ है नहीं, मेरी सुकून की नींदर बेगम ने आख्या उदा उठना जरा, तो वाशिंग मशीन सही खराब हो गई तो सही कट फिर सही है थोड़े सामने लाज जी पा जी, वाशिंग मशीन सही करना नाले टायर चेंज करना पे। जो यूरोप गए ना उन्होंने हाल होंगे पाकिस्तान आ गए, ठीक है ना सुकून की नींद रही सौने ना उत्थे सौने ना घर आने ना घर सौंते नहीं, बंदा जाए तो जाए कितने है हाल वे लो है हाल जो पाकिस्तानी हो जाओ यूरोप तुम आखे पाकिस्तान लवो सुकून करो है वे लो मेरे वास्त सुबह सुबह मलामत है पै गई उन्होंने मैं घंटा तो ला के सुकून ना, ना नाश्ता किया क्या वीडियो बनाना वे सही है तो अब्बा जी भी मेरे आ गए पीछे टूं टूं करन लग गए। ये मैं मिठू भी उठ के आ गया, ये कहता है जी किधर जाना झूले लेने जाना, कहाँ पे जाना मिठू बताओ किधर झूले लेने जाना किधर। ये देखो जी है हूँ सुबह सुबह उठ गया मेरा पुत्र, तो वो नाराज हो यार मेरे, वो कह रहा जी झूले पार्क जाना, किधर जाना है क्या लेने जाना है चुड़ील है चुड़ील अच्छा ऐसे खा जाएगी तो फिर आपको छोड़ा ही बात चुड़ैल के बाद पापा ये चलते हैं ठहर के, ये पापा वाशिंग मशीन सही कर लेना तो फिर चलते हैं झूले पार्क। किसे को ऐसे किसे कोटा लगाना है चेल को ऐसा कोटा लगाना है चलो सही है ऐसे चुड़ैल को चलो सही है बाद में ऐसे कोटा जो जाओ बड़े पापा के पास जाओ मैं वाशिंग मशीन सही हाँ चलो आप मेरे खड़े होने देखना पापा कैसे बना रहे हैं चलो सही है देखो वो ये वाशिंग मशीन है सही कर रहे हैं ठीक है पाकिस्तान वाशिंग मशीन जी है वेखो पत्तरियां लाइया ठीक है तो यह पत्तरियां ही ए पेज खोल रहे जी तो पेज खोलते नहीं जी तो हम थोड़ी ना हाँ पत्तरी सीधी करनी फिर जा गया हाँ ये वाशिंग मशीन जी पाकिस्तान की जिसे पेज नहीं खोले वक्त पाया इन्हें हाड़ी जान। चलो ये देखो जी मेरी बेटी अपना मेरे साथ मदद कर रही है वाशिंग मशीन के टायर चेंज करने में, तो ये चाबी के साथ कस रही है, मुझे नहीं दे रही है चाबी, अब दे दो ना पापा को, पापा ने करना ये चलो आप दूसरी पकड़ लो पापा इससे इसके पेज से ही टाइट करते हैं ओके। चलो ऊपर रखो मेरा बेटा शाबाश ऊपर रखते हैं ना चाबी पकड़ो नीचे ऊपर ऊपर इधर। मेरे पुत्र ने बूटे
पौधे पसंद हैं ठीक। तो आज ये मैं अभी मोटरसाइकिल के ऊपर ना ये पौधे लेके ये वाशिंग मशीन है सही कर रहे हैं ठीक है। पाकिस्तानी वाशिंग मशीन जी है पत्तरियां लाइया ठीक है। तो यह पत्तरियां ही यह पेज खोल रहे जे तो पेज खोलते नहीं जी तो हम थोड़ी के ना पत्तरी सीधी करनी फिर जा के हाँ ये वाशिंग मशीन जी पाकिस्तान की जिसे पेच नहीं खोले वक्त पाया इन्हें हाड़ी जान। ये है किनुओं का ये भी किनुओं का पौधा ठीक है। मुझे पौधे जो हैं बहुत पसंद ये नहीं ये देखें ये छोटा चाइनीज माल्टा लगाया हुआ है हमने घर में ठीक है। तो ये गुलाब के फूल हैं ये देखिए आपके सामने अभी हम लगा रहे हैं पौधे। आज ही बारे का मौसम आया नया चेंज ठीक है मौसम बदलिया था हाँ के घर के बूटे नवे लिया के लाइए तो अज मालटिया ने बंद कर दी। लो जी अभी कुआरगन का बूटा ला लगे तो यह सही होंगी ये अंदर बंदा घर आप ही हर चीज़ बना लेंदा ये शैंपू वगैरह हर चीज़ सोप वगैरह बंदा बना लेंदा तो बीबिया से खास करके बड़ा अच्छा है तो हर घर के कुआरगन का पौधा होना चाहिए ठीक है। तो अभी हम कुआरगन का ला रहे थे अभी इस तो बाद अभी गुलाब के फुल लावे ठीक है। तो पौद्या का वैसे मैं शौक बड़ा बचपन तो अगू मेरी बेटी है माशाला मिठू मेरा इसे भी शौक है पौधों का। तो अभी हम जी पौधे लगा रहे हैं कुआरगंदर का ये पौधा नज़दीक करके कैमरा दिखाना कुआरगंदर का पौधा ये है जी कुआरगंदर का पौधा। अभी हम इसकी क्यारी बनाएंगे अच्छी तरह ये पौधा लेके आओ ना जरा उधर पापा के पास नहीं पकड़ो मैं चुना चलो हाँ नीचे से पकड़ो नीचे से ऐसे शाबाश आ जाओ मेरा बेटा लेके पापा के पास आ जाओ लेके आओ मेरा बेटा शाबाश जी ये देखो जी मेरा बेटा है माशाल्लाह मिठू मेरी मदद कर रहा है पौधे लगाने में ठीक है। लेके आओ ध्यान से मेरा बेटा शाबाश उधर जाके रखो उधर ये मेरी मदद कर रहा है साथ इधर रख दो इधर अंदर रख दो उसके अंदर रख दो शाबाश वाह मेरा बेटा बड़ा अच्छा है। ऐसे अपने बच्चों को हमेशा अपने साथ रखें ताकि उनको भी मैं कहता हूँ हमेशा अपने बच्चों को अपने साथ अटैच रखें। अगर हम इस वक्त ये देखें मैं पौधा लगा रहा हूँ बच्चे को साथ रखेंगे उसे भी आदर डलेगी वो भी उसको भी शौक होगा हाँ मैं बेटा मिट्टी डालो पौधे के अंदर ठीक है। उस बच्चे को भी ना फिर पौधे की पौधों की आदत होती है कि उसे भी शौक होता है पौधे लगाने का तो ये अच्छा होता है एक शौक होता है बंदे के अंदर तो ये अच्छी बात है। मैं तो ये समझता हूँ जब भी आप कोई अच्छा काम करें तो अपने बच्चों के साथ रखें ताकि उनको भी आदत हो तो उनका उनके माँ बाप की वजह से उनको पता चलता है वो क्या काम कर रहे हैं। तो हमेशा बच्चों को साथ रखना चाहिए पौधों का वैसे भी हम शौक होना चाहिए गाने लगाने का। शाबाश मेरा बेटा ऊपर मिट्टी डालो शाबाश के बाद हम पानी देंगे ठीक है। फिर पौधा बड़ा होगा फिर इसमें फूल लगेंगे फूल वाह आपको पसंद है फूल। चलो जी मेरा बिट्ठू मेरे पापा हाँ पौधा लगा रहे हैं हम पौधा लगा रहे हैं फिर इसमें फूल लगेंगे फिर वो मरवा पास रखेगी वाह मरवा आप पास रखोगी नहीं डल्टी बेटा बाद में वाश कर लेंगे आप पापा के साथ मदद करो ना पापा की पापा के साथ मदद करते हैं बेटा फिर बड़ा होगा फिर फूल लगेंगे फिर मरो हाँ मिट्टी इधर रखो मेरा बेटा शाबाश। ये जी हमने कौन सा पौधा लगाया अब तो नाम भी भूल गए मुझे पाकिस्तान से ये है जी मोती का पौधा हमने लगाया पहले हमने चकारगंदर का क्या उसका कुआरगंदर उसका लगाया था अभी हम ये मोती का लगा रहे हैं। इसके बाद हम जी लगाएंगे गुलाब के फूल जो देसी हैं वो लगाएंगे
उसके बाद फिर हम किन्नुओं का लगाएंगे। ये देखें जी हमारे जो है ना माल्टे, इनको ये फल लगना शुरू हो गया, तो अभी हमने इनको पानी दिया है। ये देखें पानी, और जब ठहर के ना हम जब फूल निकलेंगे तो इनको हम स्प्रे करेंगे, स्प्रे जो फल गिरने नहीं देते। तभी जो है ना हमने ये सारे जितने भी पौधे, हमने अभी जितने भी पौधे हमारे माल्टे किन्नू, क्यों पौधे इधर ना पाकिस्तान में बहुत जल्दी सूख जाते हैं, तो अभी ही हमने इनके अंदर जो है ना नीला थोथा और चूने को ना मिक्स करके एक चम्मच, एक बड़ा बूटा है चाहे छोटा बूटा है, हर पौधे को हमने एक चम्मच मीठा सोडा और एक जो है ना चम्मच चूना चूने का इनको हर पौधे को दिया। तकरीबन 6 माह बाद हम हर पौधे को देते हैं ताकि उस नीचे से जो है ना वो पौधे मरता नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में ऐसे पौधे हैं। ये जी अंजीर का पौधा है, ठीक है, तो ये अंजीर है, लगी भी हुई है अभी, तो नया फल भी लग गया है, पत्ते निकल आए हैं, गुल्ले वगैरह, तो इसे भी हमने एक चम्मच मीठे सोडे का और जो है एक चम्मच चूने का दिया, ठीक है। ये भी आज हमने ताज़ा पौधा आज लगाया, ये है रेड ब्लड है लेकिन ये शुगर के लिए बहुत अच्छा है। तो मैंने ये है जी हमारा छोटा सा बाग, आज हमने सारा दिन बाग में गुजारा है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे उसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि नई आने वाली वीडियो हमारी मिलती रहे। भाई हमने सारा